नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास भूपेन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम द गेम ऑफ मनी सीरीज के पार्ट 32 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे थ्री कैंडलस्टिक का पैटर्न जिसका नाम होगा इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ऐसे पैटर्न में हमें टारगेट क्या रखना होगा, एंट्री कहाँ लेनी होगी और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना होगा दोस्तों, ताकि वो हिट ना हो। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं सेवन सेंस यूट्यूब चैनल के साथ में। बड़ा ही लंबा यहाँ पे लॉन्ग बुलिश पैटर्न चल रहा होता है, बहुत देर से मार्केट चल रहा होता है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे एक तीन कैंडलस्टिक के ग्रुप से एक इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बन जाता है और उसके बाद में मार्केट गिरने लगता है। तो ये जो गिरने वाला मार्केट है, बेयरिश मार्केट, इसको इवनिंग बोला गया है ना। तो इवनिंग रात में दिन जैसे उतरते जाता है, सूरज जैसे उतरते जाता है, उसी तरह इसे इवनिंग बोला है। और ये यहाँ पे स्टार बनता है, दो कैंडलस्टिक के बीच में एक स्टार बनता है, तो इवनिंग स्टार पैटर्न ये तीन कैंडलस्टिक के ग्रुप से बन जाता है दोस्तों। तो ये कैसे बनना चाहिए, इसमें तीन कंडीशन को याद रखिए। जो अब तक बुलिश मार्केट था उसका ये आखिरी ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, उसके बाद में थोड़ा गैप अप करके एक छोटा बॉडी वाला यहाँ पे स्टार टाइप का कैंडल बनेगा, ठीक है, डोजी टाइप का, बिल्कुल बॉडी बहुत छोटा होगा, और फिर गैप डाउन करके एक लंबा सा रेड कैंडलस्टिक बनेगा जो हमारे पहले कैंडलस्टिक जो है ग्रीन वाला उससे थोड़ा सा बड़ा होगा नीचे की तरफ, स्लाइटली बिलो दैन बुलिश कैंडल। ये जो बुलिश कैंडल है इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो इसके नतीजे क्या आते हैं कि मार्केट बियरिश बन जाता है। अब तक जो बुलिश मार्केट था वो बियरिश बन जाएगा, और ये बियरिश कहाँ तक रहेगा, ये जो है हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। तो इस पैटर्न में हमें कहाँ पे टारगेट रखना है, कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारी सेवन सेंस की जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप की मेंबरशिप है दोस्तों, ये लाइफ टाइम तक के लिए है, जिसमें आपको ये सारे वीडियोस के पीडीएफ मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको डिजिटल चार्ट पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, और यहाँ पे आपको चार्ट एनालिसिस करके भी मिलेगा दोस्तों। तो आप कोशिश करिएगा हमारी इस लाइफ टाइम आजीवन की जो टेलीग्राम की मेंबरशिप है उसके मेंबर जल्दी बने। इसके लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा मात्र 3,000 रुपये, ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद में आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा दोस्तों। और आने वाले अगस्त 23 से आपको इसका चार्ज 5,000 रुपीज़ लगेगा। तो इससे पहले कोशिश करिएगा कि आप इस मेंबरशिप के मेंबर बन जाए। और ये कंट्रीब्यूशन जो है आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, जो हमारे लोगो में भी दिया हुआ है नीचे की तरफ, और यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको 8087339648 पर, ठीक है, एक बार और दोहरा देते हैं, 8087339648 पर ही आपने ये कंट्रीब्यूशन करना है। ये हमारा एकमात्र मोबाइल नंबर है दोस्तों, और आपका डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना है तो आपसे गुजारिश है आप ये अकाउंट जो बनाएंगे जीरोदा के साथ में ही बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा भी जीरोदा है, आपका भी जीरोदा रहेगा तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जो वीडियोस देखेंगे वो जीरोदा के ऐप के साथ में ही देखने वाले। तो आपने जीरोदा को डाउनलोड करना है, जीरोदा से आपने काइट और कॉइन जो इसके ऐप होते हैं प्ले स्टोर में जाके उसको भी डाउनलोड करना है, ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ में, यहाँ पे सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न के साथ में, कि इसका टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न होगा, मॉर्निंग स्टार तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उनसे गुजारिश है आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफी हद तक ट्रेडिंग समझ में आएगा। अब ये जो है इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बड़े ही देर से मार्केट चल रहा होता है और एकदम से ऊपर जाके ये नीचे की तरफ आता है, लेकिन एक पॉइंट होता है उसके नीचे नहीं आ पाता, उससे ऊपर ही उठता है, फिर आएगा नीचे, वही पॉइंट से ऊपर उठता है, फिर नीचे वही पॉइंट से ऊपर उठ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन हो जाएगा। ये सपोर्ट जोन से ये मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल से उठेगा, लेकिन एक जगह देखिए क्या बन रहा है, ये जो है ग्रीन कैंडलस्टिक बना है, इसके बाद में गैप अप करके एक छोटा बॉडी वाला कैंडलस्टिक बना है जो स्टार की तरह दिख रहा है, और उसके बाद गैप डाउन करके एक रेड कैंडलस्टिक बना है जिसका ये नीचे का पार्ट जो है हमारे पहला जो कैंडलस्टिक है ग्रीन उससे थोड़ा सा नीचे है दोस्तों। और ये तीन कैंडल बनने के बाद में हमारे दिमाग में एक कैंडल जलना चाहिए कि यहाँ पे जो तीन कैंडलस्टिक का ग्रुप बना है इसे हमने इवनिंग स्टार पैटर्न बोलना है दोस्तों, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे देखो
दिन ढलने वाला है यानी मार्केट ढलने वाला है, इसलिए ये इवनिंग का बोला जा रहा है, इसको स्टार बोला जा रहा है। तो इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। तीन कंडीशन याद रखना है इसके साथ में, ये जो है गैप अप के साथ में स्टार बनेगा, गैप डाउन के साथ में यहाँ पे रेड कलर का कैंडलस्टिक बनेगा, और तीसरा कंडीशन जो है ये वाला जो पहला ग्रीन कलर का कैंडल है उससे ये तीसरा वाला रेड कलर का कैंडल का जो निचले वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए नीचे की तरफ। तो इसका मतलब होता है अब मार्केट गिरेगा। अब ये बनने से मार्केट क्यों गिरेगा, क्योंकि यहां पे जो है अब ओवरबॉट एरिया आ गया। क्या आ गया? ओवरबॉट एरिया आ गया, बहुत सारा बाय कर लिया लोगों ने, बहुत सारा बाय कर लिया, और ये इसके अपने आप में बहुत ज्यादा हाइट हो गई बाय करने की। अब यहां से मार्केट में लोग जो है अपनी जो कंडीशन है वो बदल देंगे, है ना, जो बायर्स थे वो तब्दील हो जाएंगे सेलर्स में, वो अपना पूरा पैसा निकाल के सेलर बन जाएंगे और वो सेल करने में इंटरेस्ट लेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब सेलर्स बढ़ जाएंगे, ये कंडीशन उस तरीके से फॉर्म हुई है, ओवरबॉट एरिया यहाँ पे आ गया है, सभी ट्रेडर को ये समझ में आ जाता है और वो तुरंत अपना पोजिशन बायर से सेलर में बदल देते हैं, ठीक है। अब ये बदल दी तो ये मार्केट तो नीचे गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग बढ़ गए हैं तो सेलिंग हो जाएगा, यहाँ से अब सेल हो रहा है तो हमने एंट्री कहाँ लेना है। तो देखिए तीसरे कैंडल से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, इवनिंग स्टार पैटर्न। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो ये जो है इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये जो बड़ा कैंडलस्टिक है इसका, ये ओपन होता है ऊपर में और ये नीचे की तरफ क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग पॉइंट पे ही एंट्री करना ये रिस्क लेने के बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो, और अगर आपको सेफ एंट्री करना है तो चौथा कैंडल बनने दीजिए, ये वन, ये टू, ये थ्री और चौथा कैंडल बनने दीजिए, और ये जो तीसरा कैंडल है रेड कलर का, इसका नीचे का जो लो है उसको क्रॉस करने दीजिए, उसको ब्रेक करने दीजिए ये चौथे कैंडल से। जैसे ही ब्रेक हो जाता है आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो एकदम सेफली दोस्तों, और ये आपका सेलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, अब ये उल्टा भी जाएगा तो ये जो पहला कैंडलस्टिक है ग्रीन, इसका जो ओपन है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे इस ट्रेड से, तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका 99.99% चांसेस होता है कि ये गिरेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओवरबॉट एरिया है, यहाँ से नीचे आएगा ही ये मार्केट। अब यहाँ पे देखो मार्केट तो बुलिश रहने वाला है, अब कहाँ तक बुलिश रहेगा ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पिछले पॉइंट आपको बार बार बता रहे, ये सपोर्ट पॉइंट हमने बना दिया है, तो आपका टारगेट भी जायज है कि यहीं पे रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिजेक्शन कैंडल मिलेगा और इसके नीचे नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ से फिर उठने के चांसेस होते हैं। तो ये जो गिरा हुआ मार्केट है इसको कम मत समझिएगा, इंट्राडे में जाएंगे तो आपको ये 5 से 10 पॉइंट्स का ये मुनाफा देगा, और ऑप्शन में जाएंगे तो 100 100 पॉइंट के, 150 150 पॉइंट्स के कैंडल स्टिक यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जितना कुछ सेल किया है वो सारा यहाँ पे बाय करके अपना पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करे, अपने प्रॉफिट को अच्छे से बुक करे दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है, ये पूरा कॉन्फिडेंट एरिया है जहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब बात आती है क्या ये जो पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न, क्या ये इसी तरीके से दिखता है या फिर कुछ अलग तरीके से भी दिख सकता है। तो चार्ट में दिखने वाले डिफरेंट डिफरेंट इवनिंग स्टार पैटर्न्स को भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्टार देखिए कैसे गैप अप एंड ये तीसरा वाला जो है गैप डाउन होता है, सेकंड वाला गैप अप तीसरा वाला गैप डाउन बन जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपको पता चल जाता है कि ये तो आपको इवनिंग स्टार पैटर्न की तरह इशारा कर रहा है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये रेड वाला जो कैंडलस्टिक है बियरिश कैंडल, वो ये ग्रीन से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, पहले वाले से थोड़ा नीचे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये इवनिंग स्टार पैटर्न की तरह काम करेगा। आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसका लोअर पॉइंट को चौथे कैंडल से ब्रेक होने दीजिए, 1 2 3 और चौथा जो बनेगा इसका लो जो है तीसरे वाले का उसको ब्रेकआउट करने दीजिएगा, आपका एंट्री सेफ हो जाएगा। इसमें देखिए ये लोअर पार्ट थोड़ा सा ये ग्रीन वाले से नीचे है, इसमें देखिए सिमिलर टाइप हाइट भी दिख रहा है आपको, लेकिन आप बिना रिस्क के खेलना चाहते हो सेफ्टी, तो इसका जो लो है चौथे कैंडल से ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। यहाँ पे तो देखिए आप स्लाइट अपर है ये आपका बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल से थोड़ा सा ऊपर है, हमने तो बोला था इसको नीचे होना चाहिए लेकिन ये ऊपर है, लेकिन मैं बोलता हूँ कई बार इसने भी इवनिंग स्टार पैटर्न के जैसा काम करना है, ये भी काम करेगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा, इसका लो एक बार ब्रेकआउट हो जाए चौथे कैंडल से अच्छा खासा इसके नीचे आ जाए, तब आप सेफली एंट्री कर सकते हो, और रिस्क लेना चाहते हो तो आप अभी या तीसरे कैंडल बनने के बाद में भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न के जैसे ही काम करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हो सकता है 99% ये भी काम करेगा। तो ऐसे पैटर्न ने भी काम किया हुआ है इवनिंग स्टार पैटर्न में, तो आप ऐसे पैटर्न जब भी चार्ट में देखो तो आपका ट्रेड शॉर्ट ट्रेड करना, पहले सेल बाद में
बाय करके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने अच्छा खासे समझा होगा दोस्तों, इसका पूरा पूरा लुत्फ उठाया होगा, आपको काफी हद तक मजा आया होगा दोस्तों। तो एज यूजुअल आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होती है, बहुत ही अहमियत रखती है दोस्तों। इसे मैं बार बार पढ़ता हूँ, दिली दिल में खुश होता हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। और इसी बढ़ते आनंद और उत्साह के साथ में मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर के आता हूँ। और जो नए ट्रेडर्स लोग हैं उनसे दिल से दरखास्त है, गुजारिश है दोस्तों कि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों इस बेल आइकन को क्लिक करने से होता ये है कि जब भी हमारा वीडियो आता है आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन या फिर मैसेज जारी होता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है और आपको यूं ही ट्रेडिंग की दुनिया के नॉलेज में कदम दर कदम आगे बढ़ना होता है दोस्तों। और हमारा आपसे वायदा है कि आपको जरूर एक बेहतर ट्रेडर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन, शानदार, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।